अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक्स एंड फूड्स। और आज मैं बन रही है बाजरे की खिचड़ी, जो कि विंटर स्पेशल है और मेरी अम्मी की भी स्पेशल रेसिपी है। सबसे पहले एक पाव बाजरा लेना है, उसको हल्का सा गीला करना है, कूटना है, छानना है, फिर दोबारा से इसको गीला करना है, फिर कूटना है, फिर छानना है। उसके बाद बाजरे को अच्छे से धो के आधे घंटे के लिए हम भिगो देंगे, पानी गर्म होने रखेंगे, फिर बाजरा ऐड कर देंगे। लो हीट पे बाजरा अच्छे से जब गल जाएगा तो वो फट जाएगा। तो इसके बाद इसमें एक पाव ही साबित मूंग की दाल ऐड कर देंगे। बॉयल आने देंगे, आराम से गलता रहेगा। फिर इसमें हल्दी और नमक ऐड कर देंगे। हल्दी और नमक डालने के बाद इसको स्लो हीट पे पकने के लिए रख देंगे ताकि ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से गल जाए। अलग से फिर मैंने इसकी ग्रेवी के लिए प्याज गोल्डन फ्राई की थी, और जो कि ग्रेवी थी थोड़ी कोल्डनेस फ्राई थी। इसके मैंने दही में सारे मसाले डाल के इसको एक मसाला सा रेडी कर लिया था। 2 चम्मच गरम मसाला था, दही था, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक डाल के मिक्स कर लिया था। प्याज गोल्डन हो गई तो मैंने चिकन ऐड की। इसमें बना हुआ मसाला डाला चिकन की ग्रेवी तक, और ग्रेवी नॉर्मल होने तक मैंने सिखाया, फिर सेपरेट कर लिया ग्रेवी से चिकन को। इधर बाजरा और दाल भी बिल्कुल रेडी थी, जो कि मैंने थोड़ी सी दाल से ब्लेंड कर ली थी ताकि आप अपने लग जाने का। ग्रेवी का मसाला भी डाल दिया था इसमें, जो लिक्विड था, और जो बोटियाँ थी रेशे की वो भी ऐड कर दी। ये रेडी हो गया था। इसके बाद मैंने इसकी चटनी बनाई थी जो रेसिपी पर डाल के खाई जाती है, और ये सारे इसके लवाजमात हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।